हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसे बेचा नहीं जाना चाहिए? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको आज का वीडियो एंड तक देखना होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेडिशन, परंपरा, एक ऐसी मान्यता जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। परंपरा वो कड़ी है जो हमें एक वैल्यू, एक पहचान देती है। वो ये आश्वासन देती है कि हम एक किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा हैं, ना कि समय की हवाओं में तैरते हुए धूल के व्यर्थ तिनके। एक इंसान को एक जुड़ाव की ज़रूरत होती है ये जानने के लिए कि वो खुद क्या है, कौन है और कहाँ से आया है। और मुझे लगता है कि परंपरा में एक सुंदरता है, वो सुंदरता जो हमारी प्रोग्रेस को फाइनेंशियली या टेक्नोलॉजिकली तो आगे नहीं बढ़ा रही है, बल्कि हमें आगे बढ़ाती है ज़िंदगी की सच्चाई समझने के लिए, हमारी इमोशनल या भावात्मक बुद्धि बढ़ाने के लिए। और अगर परंपरा कहीं खो जाती है तो लोगों को अपनी जड़ों, अपनी रूट्स के बारे में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर पहचान की भावना नहीं आएगी। और मेरी नज़र में एक सच्ची परंपरा वो नहीं है जो कहे जैसा बताया वैसा करो, परिवर्तन मत लाओ, सवाल मत पूछो, आगे मत बढ़ो, बल्कि एक सच्ची परंपरा वो है जो कहे याद रखो, याद रखो कि ये क्यों किया जाता है, सोचो, पूछो, पर याद रखो, आगे बढ़ो, मगर याद रखो। तो जब परंपरा की बात सोची जाए तो याद आती है इंडिया की एक डॉग ब्रीड, एक ऐसी डॉग ब्रीड जिसके बारे में अगर हम जानेंगे नहीं तो कैसे उसके पपीज को रोड से उठाकर अपनी फैमिली का पार्ट बना पाएंगे, कैसे लोगों को अवेयर करा पाएंगे उस बारे में। तो आज का डॉग है कन्नी। कन्नी जो तमिलनाडु और उसके नज़दीकी इलाकों का नेटिव है। कन्नी डॉग को बड़े ज़मींदार लोग अपने शिकारी कुत्ते की तरह यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज़ डॉग होते हैं, ये स्पीड से अपने शिकार को पकड़ते हैं, सूंघ के नहीं, क्योंकि ये साइट हाउंड हैं, सेंट हाउंड नहीं। चीते जैसी स्लिम बॉडी और उसके जैसी ही भागने की फुर्ती, लंबी लचकदार रीढ़ की हड्डी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार, यही कन्नी डॉग की खूबी है। एक कुत्ते की सबसे सुंदर बात यही होती है कि वो इंसान से प्यार उसके रूप रंग को देखकर नहीं करता है, पर क्योंकि हम इंसान के लिए ये रूप रंग मैटर करता है तो चलिए जानते हैं इसकी अपीयरेंस के बारे में। कन्नी डॉग की एवरेज हाइट 64 से 74 सेंटीमीटर, लगभग 25 से 29 इंच के करीब होती है और इसका वेट 22 से 32 किलोग्राम होता है। कन्नी डॉग्स के कान या ईयर्स सीधे खड़े हुए इरेक्ट हो सकते हैं, ड्रॉपिंग या लटके हुए हो सकते हैं, या फिर सेमी इरेक्ट, जिन्हें आधे लटके हुए कहते हैं, वो हो सकते हैं। कन्नी डॉग्स की पूंछ लंबी, पतली और चूहे जैसी होती है। कन्नी डॉग्स के कलर्स पे आएं तो कुछ डॉग में हिमालयन मैस्टिफ की तरह ब्लैक और टैन मार्किंग्स होती हैं, आईब्रोज के ऊपर गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स होते हैं। इन डॉग्स को हम कहते हैं पोटू कन्नी, पोटू मतलब तिलकधारी। इनमें से कुछ डॉग्स ऑफ वाइट कलर के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पाल कन्नी, पाल मतलब मिल्की। कुछ डॉग्स ब्लैक कलर वाले होते हैं, इनको हम कहते हैं कारून कन्नी, कारून मतलब ब्लैक। इसका कोट बहुत ही शॉर्ट होता है, जिसके दो फायदे होते हैं। एक तो इसे गर्मी कम लगती है और दूसरा इनके टिक्स या पिस्सू जैसे पैरासाइट निकालने आसान होते हैं। क्योंकि ये एक हंटिंग डॉग ब्रीड है इसीलिए ये ज़रूरी भी है। कन्नी डॉग्स की एज 14 से 16 साल होती है।
नेचर वाइज ये बहुत ही शांत और शर्मीले डॉग्स होते हैं और ये बहुत कम भौंकते हैं। तो जिन लोगों को अपनी और अपने नेबर्स की शांति की चिंता है वो इन्हें ले सकता है। हाँ, इनकी शांति को इनकी कमज़ोरी मत समझिए, ये एक एक्सीलेंट गार्ड डॉग्स होते हैं। अब आते हैं कन्नी डॉग्स के रहने की सबसे फिट जगह क्या है। तो कन्नी डॉग्स को भागने के लिए विकसित किया गया था और इसलिए अपार्टमेंट लाइफ इनके लिए सूटेबल नहीं है। कन्नी डॉग्स का यूज़ स्पोर्टिंग के लिए भी किया जा रहा है, जिसमें कन्नी डॉग्स 7 फुट के फेंस को आसानी से पार कर जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि कन्नी डॉग्स कहाँ मिलेंगे। ये डॉग्स आपको मोस्टली तमिलनाडु में, जहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे तिरुनलवेली, थूटुकुडी और विरुधुनगर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको कन्नी डॉग्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो आप कैनल क्लब ऑफ इंडिया में कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, वो रिस्पेक्टेबल ब्रीडर्स का आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे जो कन्नी डॉग्स को बेच रहे हैं। अब आते हैं सबसे सुंदर बात पे, कन्नी का मीनिंग क्या है। कन्नी का मतलब है प्योर, शुद्ध, खरा, निर्दोष। कन्नी शब्द आया है कन्या से, इसका मतलब है कन्या का रखवाला, एक एक्साइटमेंट और ललक जो इसके अंदर होती है अपने लोग, अपने परिवार को बचाने की। उसी वजह से इसे कन्या की शादी में एज अ गार्जियन, रखवाला दिया जाता था। और अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो कितनी सुंदर बात है, कन्नी डॉग्स को कभी बेचा नहीं जाता, उसको हमेशा गिफ्ट किया जाता है, वो भी तब जब एक प्रॉमिस किया जाए कि उनकी देखभाल ढंग से होगी। इनको हमेशा फैमिली मेंबर की तरह ही रखा जाता है और इन्हें आवारा सड़कों पर छोड़ना अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, यही है कन्नी डॉग्स की लेजेंडरी लॉयल्टी का सबूत। पर दुख होता है ये देखकर कि इन डॉग्स के साथ भी यही हुआ कि ये आज रोड्स पर घूम रहे हैं। हम लोग इसे अपने साथ तो क्या ही रखें, हमको इनके बारे में पता तक नहीं है। दोस्तों, कन्नी डॉग को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कन्नी एक एंडेंजर्ड डॉग ब्रीड है जिसे ग्रेहाउंड ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। इसके बारे में हम जितनी अवेयरनेस फैलाएंगे, जितना लोगों को बताएंगे इसके बारे में, तभी तो हम किसी को मोटिवेट कर पाएंगे कि वो रोड साइड से ऐसे पपीज़ लाके अपनी फैमिली का एक पार्ट बना सके। अगर आपको एक ऐसे डॉग की आवश्यकता है, नीड है, जो गर्मी सहन कर सके और आपके पास एक खुली जगह है और आप चाहते हो कि हमारा डॉग ज़्यादा ना भौंके, तो आप कन्नी डॉग को एक चांस दे सकते हो। अगर आपको कहीं रोड साइड में ऐसे पपीज़ दिखते हैं जैसे मैंने आज आपको फ़ोटोज़ में दिखाए हैं, तो आप ज़रूर इनको अपनी फैमिली का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये कन्नी मिक्स हो सकते हैं और बहुत ही लेजेंडरी डॉग ब्रीड के डिसेंडेंट हो सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं इसकी हिस्ट्री और इसके ट्रेडिशन के बारे में। क्या आप में से किसी के पास कन्नी प्योर ब्रेड डॉग या फिर कन्नी मिक्स है, तो आप प्लीज़ हमको बताएं कमेंट सेक्शन में कि उनका नेचर और उनका टेम्परामेंट कैसा रहता है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रखते हैं उस डॉग के बारे में, तो आप बहुत अच्छी राय दे सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें मुझे लगता है ये कन्नी का ही मिक्स है और ये रोड साइड पे एक पेट्रोल पंप पे मैं पेट्रोल भराने गया था, वहाँ मुझे दिखा। और ऐसे ही डॉग ब्रीड को हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देखते हैं प्योर कन्नी ब्रीड के साथ। और लास्ट में जो फ़ोटो आपको दिखेगी वो मेरी एक फ्रेंड ने रोड साइड से डॉगी अडॉप्ट किया है और मुझे लगता है कि वो कन्नी मिक्स है। लेट अस सी एंड कंपेयर एंड फाइंड फॉर आवर सेल्फ। ये जो लेफ्ट साइड में डॉगी है ये मेरे को पेट्रोल पंप के पास मिला था और राइट साइड में प्योर कन्नी डॉग ब्रीड का एक सैंपल है, एग्जाम्पल है। देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। ये राइट वाला डॉग मेरी फ्रेंड ने अडॉप्ट किया है रोड साइड से और लेफ्ट वाला प्योर कन्नी है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, रोचक लगता है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें लोगों के साथ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लाने वाले हैं बहुत जल्द।
और हाँ, एक लास्ट बात, अगर आपको डॉग की ज़रूरत है, नीड है, तो आप एक देसी डॉग रोड साइड से या सड़क से कहीं से अपने फैमिली का मेंबर बनाएं और फिर देखें कि हाँ, रूप रंग में तो अंतर है, पर क्या जो ये प्यार आपको दिखा रहे हैं उसमें भी कोई अंतर मिलता है आपको? और अपनी राय लोगों के सामने रखें और उन्हें भी इस चीज़ का अनुभव कराएं। बाय बाय, थैंक यू, स्टे पॉजिटिव।